हुसैन 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 हुसैन। वजीराबाद जम्मू कश्मीर आसिम शरीफ भट का बिहाड़ी का दौरा। मरकजी दफ्तर अंजुमन ताजरान इस्तकबाल किया और दफ्तर मरकजी अंजुमन ताजरान में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट न्यूज रिपोर्टर डॉक्टर वाजिद हुसैन चनर की तफसीलात के मुताबिक वजीर आजाद जम्मू कश्मीर आसिम शरीफ भट ने इस्तकबालिया तकरीब से खताब करते हुए कहा कि 9 मई के जलाओ घेराव वाकयात और पाक फौज के खिलाफ मुहिम की शदीद मुज़म्मत करता हूँ। सियासतदानों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं लेकिन एक सियासी जमात इख्तलाफात से निकलकर मुल्क दुश्मनी पर उतरी हुई है। हम पाक फौज के शाना बचाना खड़े हैं क्योंकि हम आराम की नींद सोते हैं लेकिन पाक फौज के जवान सरहदों पर गोलियों की बौछार में मुल्क की सरहदों पर पहरा देते हैं। फौजी तनसीबात और कौमी हीरोज के मुजस्मों को तोड़ना जलाना गद्दारी के जमरे में आता है। उनका कहना था कि आजाद जम्मू कश्मीर के 2021 के इंतखाबात में MLA मुंतखब हुआ। जिला बिहाड़ी भी मेरे हल्के इंतखाब में शामिल है। इस इलाके में तरक्याती काम कराऊंगा वजीर बनने के बाद बिहाड़ी का पहला दौरा है। ताजर बरादरी मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इसलिए ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए वफाकी वजीर तजारत और दीगर जिम्मेदारों अदारों से हकाम से मिलकर मसाइल हल कराने की कोशिश करूंगा।